हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर, वेलकम बैक वंस अगेन। हाँ तो बाबू, हम लोग पीछे वाले वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे, पीछे वाले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, फैट के बारे में, है ना। हम आपको बताए थे फैट के बारे में कि फैट हमें उतना इंपॉर्टेंट है जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना प्रोटीन, उतना ही फैट इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको पीछे वाला वीडियो में साथ ये भी बताया था कि फैट को हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। फैट भी हमें क्या कर देता है, एनर्जी देता है, इसीलिए हमें इसे एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं। और हाँ, हम पीछे वाला आपको ये एग्जांपल दे रहे थे कि जब हम भोजन करते हैं, आज भी करते हैं, मतलब मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, और ये प्रोसेस हम लोग जब तक है तब तक करते हैं, आज भी किए, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तरसों भी, मतलब एवरी डे करते हैं। तो आज भी हमें एनर्जी मिला, कल भी मिला, परसों भी मिलेगा, तरसों भी मिलेगा, हम जब तक है तब तक हमें रोज़ मिलेगी एनर्जी, जब तक हम फूड खाएंगे तब तक, ठीक है। तो हमें जितना चाहिए उतना तो शरीर हमारा एनर्जी यूज़ कर लेता है, लेकिन एक्सेस एनर्जी क्या करता है, हमारे शरीर में एज ए फैट बन करके स्टोर हो जाता है। और वो फैट क्या होता है, इसके बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में फुली डिस्कस किया था, फैट क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे कैसे बनता है मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, फैट मीन्स मोटा होता है या चर्बी होता है, क्या होता है, मैं पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूँ। तो फैट क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, हमारे शरीर में स्टोर होते होते वो एज ए फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाती है, ठीक है, जो कि ये हमें एज ए एनर्जी गिविंग फूड का काम करता है। देखिए, वो फैट स्टोर कैसे होता है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है। सपोज दैट आपको है ना 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपको ना 100 रुपीज़ है आपके पास, आप मम्मी से लिए, उसके बाद अब क्या हुआ, आपको उसमें 10 रुपीज़ को खर्च करना है, स्पेंड करना है, 10 रुपये का आपको खर्च करना है, ठीक है। और अपने क्या हुआ, अपने ब्रदर से 20 रुपीज़ मांग लिया, 10 खर्च करना था और 20 आपने मांग लिया, ठीक है। आपने भैया से 20 रुपीज़ ले लिया, क्या हो गया, 120, 100 आपका 20 हो गया, लेकिन आप फिर आपको खर्च कितना था, 10 ही करना था, तो आपने 10 खर्च कर दिया, ठीक है, आपने 10 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 110, 110 रुपया अभी भी बचा, है ना। फिर आपको फिर 10 रुपया खर्च करने का मौका मिला, ठीक है, और आपने किन्हीं और से फिर आपने रुपया मांग लिया, वो आपको फिर 10 रुपया दे दिए, तो क्या किया आपने, वो जो आपको दिए रुपया, उस 10 रुपया को आपने खर्च कर दिया, तो लेकिन आपके फिर भी आपके पास में जो रुपया था बैलेंस, वो क्या हो गया, बैलेंस ही रह गया, ठीक है। तो फिर जब आपको फिर कभी काम आ जाए फ्यूचर में, आपको जब रुपया नहीं हो तो क्या करेंगे, तब मतलब आपको जब कोई रुपया नहीं दे, आपको रुपया पास तो है ही ना कुछ, 110 रुपीज़ तो है ही, जब आपने किन्हीं से मांगा, वो किन्हीं कोई आपको रुपया नहीं दे, लेकिन आपके पास 110 रुपीज़ है, तो क्या करेंगे, इन फ्यूचर में आप उसी रुपया को यूज़ करेंगे, है ना। तो उन रुपया को आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका जो वर्क था, आपका जो काम था जो कि पेंडिंग में था, वो क्या हो गया, वो काम आपका सक्सेस हो गया, क्या हो गया, वो वर्क आपका सक्सेस हो गया। तो कैसे, जब आपके पास बैलेंस था तब, है ना। तो सेम टू सेम प्रोसेस बाबू माय डियर आपके फैट में भी होता है, यही काम आपका फैट भी करता है, ठीक है। जब तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जब तक हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, ठीक है, तब तक हमारे शरीर में एनर्जी बनता है, तब तक बनता है, एवरीडे बनता है। हम जब, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, हम एवरीडे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एवरीडे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी जब थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, बस वो स्टोर होता है, और ज़्यादा हुआ स्टोर हो गया, और ज़्यादा हुआ स्टोर हो गया, तो स्टोर होते होते क्या हुआ, एज ए फैट के रूप में फॉर्म हो जाता है, एज ए फैट के रूप में वो फॉर्म हो जाता है। फिर कभी इन फ्यूचर आप एक दिन खाना नहीं भी खाएंगे, 2 दिन भी नहीं खाएंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गया, आप 2 दिन 3 दिन नहीं खाना खाएंगे ना, तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी फैट स्टोर है, ठीक है। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिनकी बॉडी में एक्सेस फैट है, अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चे हैं बहुत ही स्लिम है, दुबला पतला है, अब वो 3 दिन फास्टिंग पे चला गया, नहीं, तो स्लिम है इसका मतलब क्या, उसके शरीर में फैट नहीं है, ठीक है। जो बच्चे काफ़ी स्लिम है, जो काफ़ी दुबले पतले, इसका मतलब उसके शरीर में उतना फैट नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे कुछ देखने से हेल्दी लग रहे हैं, फैटी लग रहे हैं, देखिए भूख तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, चाहे मोटे हो या पतले हो, कोई भी हो, उनको भूख तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, हम सब भूख लगता है, काफ़ी भूख लगता है, और हम लोग खाना खाते हैं, इन बाद में वो भूख को स्टोर बर्दाश्त कर ले, या कोई ऐसा कंडीशन फंस गया जहाँ पर वो खाना पीना कहीं नहीं मिलता है, तो आप फिर भी 2-3 दिन बिना खाना खाए पानी पी करके रह सकते हैं, आपका शरीर ऐसा नहीं कि डेड हो जाएगा, आप 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फैट का कमाल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फैट कहाँ से मिलता है, फैट देखिए मीट से,
है ना, हम लोग पीटो प्रोटीन मिलता था मीट से, फैट भी मिलता है मीट से, वेजिटेबल ऑयल से, हम लोग जो सब्जियों का तेल खाते हैं, सब्जी जो बनती है उसमें भी तेल डाला जाता है, उन तेलों से हमें फैट मिलती है, दूध से तेल फैट मिलती है, बटर से फैट मिलती है, चीज़ से मिलती है, घी से, क्रीम से एंड ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट आप लोग जो बादाम खाते हैं है ना, अखरोट खाते हैं, जो कि आप लोग वो छुहारा खाते हैं, ये सब आपका क्या है, ये ड्राई फ्रूट है। तो ड्राई फ्रूट से भी हमें फैट मिलती है, मीट से भी, वेजिटेबल ऑयल से भी, मिल्क से भी, बटर से भी, चीज़ से भी, घी से, क्रीम से, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलती है, फैट मिलती है। ठीक है, तो हमें इन सभी चीज़ों को भी खाना चाहिए, ये सब क्या हुआ, फैट के सोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द फैट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हालांकि फैट जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ईटिंग टू मच फैट्स कैन बी हार्मफुल। वेरी गुड मैन बाबू, आपके पीछे कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को यदि हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। चाहे कोई भी सिंपल सा चीज़, आपको बहुत ही फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, या आइसक्रीम, बहुत ही फेवरेट है आइसक्रीम खाना आपको बहुत पसंद है आपको, मैं यदि एक दिन दो दिन कंटिन्यू मैं आइसक्रीम दे दूँ, खाओ आइसक्रीम खाओ, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, डेली खाओ आइसक्रीम, डेली खाओ आइसक्रीम, डेली खाओ आइसक्रीम, डेली खाओ आइसक्रीम, क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक्सेस फैट क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसका एग्जाम्पल देखिए आप क्या होता है, एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। यदि हम फैटी फूड खाते हैं, ठीक है, जिससे हमें फैट अधिक मात्रा में मिलती है, यदि हम उस प्रकार के फैट को ज़्यादा खाते हैं, मैक्सिमम खाते हैं, ठीक है, डेली यूजेज में खाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हम ओबेसिटी हो जाएंगे। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, ठीक है, हमें हमारे शरीर में ओबेसिटी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं मोटापा। हमारा शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, एकदम बहुत ही टाइट हो जाएगा, बस हम लोग मोटोराम घटाने लगेंगे। देखिए बाबू, अब ये सिर्फ किसी एक ही पे नहीं होता है, सभी पे होता है, हर जानवर पे भी होता है और हर इंसान पे भी होता है। और इंसान में देखिए, अब मैं कहूँ कि सिर्फ बॉय ही ऐसे होते हैं, बॉय खूब खाएगा बहुत ही मोटे हो जाएंगे, नहीं, गर्ल्स में भी ऐसा होता है, कोई भी, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो या बॉय हो, यदि अब वो किसी भी फैटी मटेरियल्स को जैसे चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट था या मीट था या ड्राई फ्रूट था, इन सभी चीज़ों को यदि वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑयली चीज़ को वो ज़्यादा खाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे। मतलब उसको ही हम ओबेसिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, समोसा खाते हैं, लिट्टी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, तो ये जो फ्राइड चीज़ है, जितना भी फ्राइड वाली चीज़ है, आप लोग फ्राई करके खाते हैं, हम लोग भी फ्राई करके खाते हैं, पर एक्सेसिव फ्राई चीज़ खाने पर क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में ओबेसिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, विच इज़ हार्मफुल फॉर आर बॉडी। ओबेसिटी क्या है, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। आप लोग बिल्कुल सही, सारे बच्चे हैं देखे होंगे अपने लाइफ में कि बहुत से ऐसी लड़की हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे मतलब ग्रैंड पेरेंट हैं जो कि बहुत ही मोटे हो गए हैं, उनको चलने में नहीं होता है, उनको उठने में नहीं होता, उनको बैठने में नहीं होता, उनको हिलने डुलने में नहीं होता, बिल्कुल आप ऐसा देखे होंगे, है ना। ओबेसिटी यदि वो हो जाते हैं तो बेचारे वो ना चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, तो ये क्या हो गया, उनके लिए हानिकारक हो गया। यदि उनको ओबेसिटी नहीं होता तो वो हम लोग कई तरह एकदम वेल फिट आगे पीछे जाते आते हैं, है ना, वो हर काम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं एक्सेस फूड फैटी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो नेक्स्ट है, ओबेसिटी कैन ऑल्सो कॉज हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। वेरी बैड माय डियर्स। ये भी ओबेसिटी यदि किसी को हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यदि किसी को ओबेसिटी हो जाता है, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, ठीक है, यदि किसी को मोटापा अत्यधिक हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम ये भी है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज भी हो जाएगी। ठीक है, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम क्या होगा, उनका दिल कभी काम करना बंद हो जाएगा, कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं काम करेगा, कभी दर्द करेगा। देखिए, काम करना बंद करेगा इसका मतलब समझ लीजिए वो डेड हो गया। ठीक है, धड़कन हमारा, दिल हमारा काम करना यदि बंद किया, समझ लो कि वो डेड हो गया, वो बेचारे मर गया। तो लेकिन आपको दिल के पास दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, कभी हार्ट बीट कम हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ओबेसिटी
हो जाने की वजह से होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ सारे बच्चे अपनी बॉडी को फिट एंड एक्टिव रखिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, खेलिए धूपिए और थोड़ा पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए पढ़ाई भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खेलना धूपना और हमारे बॉडी को फिट रखना। और ओबेसिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ में बाबू क्या होता है, जब उनके शरीर में फैट स्टोर ज़्यादा हो जाता है, जब उनके शरीर में शुगर की परसेंटेज चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उन्हें हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ होने से भी उनको बहुत दिक्कत होती है, खाना पीना नहीं खाने में अच्छा होता है, उनको बहुत बेचैनी होती है, तकलीफ बहुत होता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ है जिसको बोलते हैं हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, ठीक है बाबू। तो इन दोनों चीज़ों को ओबेसिटी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें कि हम उतना भी ओबेसिटी ना हो। हम सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करें कि आप लोग इतना फूड पे ध्यान दें कि किसी को भी ओबेसिटी ना हो, ठीक है। ओके बाबू, ये पॉइंट आपका खत्म होता है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।